subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. आज का हमारा विषय है ऊंट चला. ऊंट चला जो कि फर्स्ट की पहला लेसन है, पोएम है ऊंट चला. इसके कौन है कवि? पर्याग शुक्ला. ऊंट चला, आप सभी ने ऊंट को तो देखा होगा. कई बच्चे क्या है, ऊंट पर सवारी करने के लिए भी, घूमने के लिए भी जाते हैं. ज्यादातर हमें ऊंट कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में. जैसे कि हमें ऊंट को चलते हुए देखा है, ऊंट को किसी ने चलते हुए देखा है. और ऊंट के क्या है, पीछे की बैलगाड़ी, उसके गाड़ी भी लगी होती है, उसमें भी हम बैठते हैं. चलो सबसे पहले हम आज ऊंट चला कविता को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बातें हैं ऊंट के बारे में वो आज हम जानेंगे, जो कि हमने आज तक नहीं जाना है. कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ऊंट के बारे में नहीं पता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें ऊंट के बारे में कुछ विशेष जानकारियां हासिल करनी है. जैसे कि ऊंट. ऊंट क्या है? इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. क्यों कहा जाता है इसे रेगिस्तान का जहाज? क्योंकि ऊंट ज्यादातर रेगिस्तान में पाए जाते हैं और तब ऊंट चलता है रेगिस्तान में. आपने देखा होगा रेत के, यानी कि बालू, बालू का अर्थ होता है रेत, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले बने होते हैं और ऊंट उन टीलों पे आसानी से चलता है और वो धसता नहीं है. देखो हम जब कभी भी रेत में चलते हैं, मिट्टी में चलते हैं, तो हमारे क्या है, पैर नीचे की तरफ धस जाते हैं. लेकिन ऊंट में इतना वजन होने के कारण, इतना ऊंचा होने के कारण भी वो रेत में नीचे की तरफ नहीं धसता है. इसका कारण क्या है, जो ऊंट के जो पंजे होते हैं वो बड़े और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण ऊंट रेत पे आसानी से चलता है, वो नीचे रेत में नहीं धसता है. दूसरा क्या कारण है, ऊंट क्या है, वो कई दिनों तक पानी के और भोजन के बिना रह सकता है. क्या हम और आप कभी रह सकते हैं पानी के बिना? एक दिन भी हम पानी के बिना रहते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी जो हालत है वो एकदम खराब हो जाती है. परंतु ऊंट महीनों तक पानी और भोजन के बिना रह सकता है. क्या कारण है इसका? क्योंकि ऊंट है वो जो पानी पीता है उसका कुछ भाग अपनी जो ऊंट के पीठ के ऊपर, ऊंट देखा होगा ना, ऊंट के पीठ के ऊपर एक कुबड़ होता है. कुबड़ का अर्थ क्या होता है, पीठ का उभरा हुआ भाग. उसमें क्या है, वसा के रूप में भी थोड़ा थोड़ा जो भोजन करता है, पानी पीता है, वो उसमें जमा करता रहता है, जिसके कारण क्या है, जब उसको कई दिनों तक रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, खाने को भोजन नहीं मिलता, तब यह क्या करता है, उससे थोड़ा थोड़ा अपना भाग लेता रहता है, जिससे वो कई दिनों तक जीवित रहता है. यही कारण है. देखो हमने कितनी महत्वपूर्ण बातें ऊंट के बारे में जानी. इसके अलावा क्या होता है, ऊंट के जो पानी की मात्रा है शरीर में वो ज्यादा होती है, क्योंकि ऊंट क्या है, ऊंट की जो गर्दन है वो ऊंची होती है, जिसके कारण क्या है, ऊंट जो पेड़ पौधे हैं उनकी ऊपर की कोपले वनस्पतियों को आसानी से खा सकता है. किस कारण से? क्योंकि ऊंट ऊंचा होता है और उसको टहनियां पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे वो हरी हरी कोपले खाता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है. चौथा क्या है और महत्वपूर्ण बात क्या है ऊंट के बारे में, ऊंट बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान जानवर होता है. वो जिस रास्ते से निकल जाता है वो रास्ता अपना कभी भी भूलता नहीं है. ये ऊंट की एक खासियत होती है. देखो हमने ऊंट के बारे में कितनी सारी बातें जानी. इससे पहले आपको पता था नहीं ना, तो ऊंट किस किस के काम आता है, बोझा ढोने के काम भी आता है, सवारी करने के काम भी आता है. और ऊंट को देखना, आप कभी सवारी करके देखना ऊंट की, आपको बड़ा ही मजा आएगा. जब आप ऊंट पर बैठकर ऊपर की ओर उठते हो तो ऐसे लगता है जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ कर रही हो, वो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम हवाई जहाज में अभी उड़ने वाले ही हैं और हमें बड़ा ही आनंद आता है. आज अब हम पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या जाना, ऊंट के बारे में कुछ विशेष बातें. ओके अब हम जानेंगे ऊंट चला जो कि हमारी कविता है. पहली पोएम है हमारी ऊंट चला, जिसके कवि कौन है, पर्याग शुक्ला. इसमें ऊंट क्या क्या है, इसमें बोला जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित ऊंट चला नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि कौन है, पर्याग शुक्ला.
जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें ऊंट के क्रियाकलापों और ऊंट की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। ओके, इस कविता में किसका वर्णन किया है? ऊंट के क्रियाकलापों और उसकी गतिविधियों के बारे में। ओके, अब हम जानेंगे ऊंट के, कविता को पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे। जैसे कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। क्या बोल रहे हैं? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। कवि कह रहा है इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। इसमें कवि क्या कह रहा है? देखो देखो भैया, ऊंट चलता हुआ आ रहा है। और वो ऊंट चलता हुआ कैसा दिख रहा है? वो हिलता डुलता हुआ चल रहा है। वो रेत में कैसे चलता है? हिलते डुलते हुए मस्ती से चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला, कवि कहता है जो ऊंट है उसकी ऊंचाई अपने घर की छत जितनी होती है। ऊंट की पीठ और गर्दन दोनों ऊंची होती हैं, और वो भी ऊंट की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कवि कहता है देखो देखो भैया, जल्दी से आओ, कितना ऊंचा, इतना ऊंचा, बहुत ऊंचा ऊंट चलता हुआ जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाई ऊंट चला। कवि कहता है कि जो ऊंट है उसकी गर्दन क्या होती है? ऊंची होती है। और उसकी पीठ भी क्या होती है? ऊंची होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊंट के पीठ के ऊपर कुबड़ होता है, और कुबड़ की ऊंचाई के कारण वो थोड़ा सा और ऊंचा दिखने लगता है। कवि कहता है कि जो ऊंट है वो अपनी गर्दन को ऊंचे उठाकर और पीठ को ऊंचे उठाए चलता हुआ आ रहा है, यानी कि ऊंट हिलता डुलता मस्ती से चल रहा है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा ऊंट के बारे में, अभी आगे भी है पोएम। बालू है तो होने दो, पोंछ ऊंट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, पोंछ ऊंट को ढोने दो। कवि कहता है बालू, बालू का क्या अर्थ है? रेत। बालू को हम क्या कहते हैं? रेत। कवि कहता है बालू है तो कोई बात नहीं, रेत कितना भी खिंचाई हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊंट है वो बालू में बिल्कुल भी नहीं धसेगा, यानी कि रेत में वो धसने वाला नहीं है। पोंछ ऊंट को ढोने दो, यानी कि क्या है, ऊंट पे आप चाहे कितना भी बोझा डाल दो, ऊंट क्या है आसानी से उस बोझ को उठा के ले जा सकता है। इसलिए कवि कहता है कि चाहे कितना भी बोझ हो वो ऊंट को ढोने दो, इससे ऊंट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। कवि कहता है कि जो ऊंट है बालू, बालू का मैंने अभी अर्थ बताया, बालू का अर्थ होता है रेत, फंसना यानी कि नहीं धसेगा। कवि कहता है कि कितना चाहे रेत हो, रेत में भी ऊंट नहीं धसेगा। बालू में भी ऊंट चला, वो रेत में भी, बालू में भी यानी कि रेत में भी ऊंट मस्ती से चलता रहेगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। जैसे कि हम थक जाते हैं, थक थक के चलते चलते बिल्कुल हैरान परेशान थक कर बैठ जाते हैं, इसलिए अब क्या है, चलते चलते जो ऊंट है वो बिल्कुल थक गया है। कवि कहता है कि जब वो थक कर परेशान होकर बैठेगा, वो किस साइड यानी किस तरफ बैठने वाला है, ये कोई बता सकता है? नहीं ना, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ये कोई बता सकता है कि ऊंट किस तरफ बैठने वाला है? क्या हम ऊंट के बारे में या ऊंट के मन के बारे में तो नहीं बता सकते कि अब ऊंट थक गया है, वो इस साइड बैठेगा या इस तरफ, ये तो हम नहीं बता सकते। इसलिए कवि कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि वो जो ऊंट है वो थक कर किस तरफ बैठने वाला है। यहाँ तक जो हमने पोयम पढ़ी, ये हमारी पूरी पोयम हो गई है। यहाँ हमने किसके बारे में जाना? ऊंट के बारे में। क्या कह रहा है कवि इसमें? ऊंट है जो वो कैसे चल रहा है? हिलता डुलता, और वो कभी भी बालों में नहीं धसता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, यानी कि उसकी ऊंची गर्दन होती है ऊंची पीठ होती है, और वो अपनी गर्दन को ऊंचे उठाकर
वो हिलता डुलता हुआ चलता है। बालू है तो होने दो, यदि रेत है तो कोई बात नहीं, उसमें भी वो धसने वाला नहीं है और बोझ को भी आसानी से लेकर चल सकता है। वो क्या है, ऊंट बालू में भी नहीं धसेगा। देखो देखो भाई, बालू में भी ऊंट मस्ती से चल रहा है। जब वह चलते चलते थक जाएगा, क्या आप बता सकते हो वो किस करवट बैठने वाला है? नहीं बता सकते ना। ओके, तो कभी कहता है कि देखो देखो ऊंट चला, सभी आके देखो, हिलता डुलता ऊंट चल रहा है। ओके।